अब आगे की तरफ एक ही बंदा था तो मैंने बोला इसको घुस के मार दूंगा, लेकिन तभी देखो मैं क्या करता हूँ। तो देखो भाई आ चुका है तुम्हारा भाई एक न्यू गेम प्ले वीडियो लेके वापस, और मुझे पता है मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन ठीक है यार इतना तो चलता है। अब बात करते हैं आज के इस वाले गेम प्ले में। तो भाई आज के इस वाले गेम प्ले में तुमको दो गेम प्ले देखने के लिए मिलने वाले, और भाई दूसरा वाला जो गेम प्ले भाई वो एकदम खतरनाक है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सीन हुए ना। रुको पहले इन बंदों को देख लेने दो। भाई ये क्या था भाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं, घंटा यहाँ पे हुआ क्या। खैर मैं बात कर रहा था दूसरे वाले गेम प्ले की, तो भाई उसमें मैं बता दूँ ऐसे ऐसे सीन हुए ना जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब उस वाले गेम प्ले में होता क्या है कि मेरे तीनों टीममेट मेरे साथ तो उतरते हैं, लेकिन वो भाई उतरते ही मर जाते हैं, फिर उनके बचने की उम्मीद घंटा कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि भाई वो तीनों के तीनों बच जाते हैं। वो कैसे तुमको अभी देख के पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी अपने जो नीचे बंदे हैं पहले इनको देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये मेरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ये कामे हामे हाँ पता नहीं क्या क्या चला रहा है भाई, लेकिन ठीक है टीममेट को जब तक आ जाने दो, उसके बाद इनको देख लूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं अकेले नीचे गया तो भाई पता है तुमको क्या होगा, दो दो बंदे नीचे बैठे हुए पकड़ के भर देंगे मेरे को। इन बंदों को मेरे से क्या प्रॉब्लम है भाई, ये देखो। अबे भाई रुक जाओ थोड़ा सा, कितना कामे हामे हाँ चलाओगे, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच क्या करे। कब से देख रहा हूँ ये कामे हामे हाँ मारे ही जा रहे। अरे भाई मैंने क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड छेड़ दी है क्या। अब ये बंदे मेरे को मारने के लिए इतना उतावले थे ना, मेरे को पता था कोई ना कोई एक गलती तो करेगा, और ये देखो इनका एक बंदा गलती कर देता है। अब इस वाले बंदे को शायद बाहर बॉट वॉट दिख गया था जिसको कि ये मारने के लिए गया था, लेकिन खुद ही मर गया भाई ये। फिलहाल देखो अपना टीममेट अभी नीचे की तरफ आ गया, तो चलते पहले फटाफट से नीचे की तरफ इन दोनों बंदों को देखते हैं भाई। खैर जब तक मैं नीचे की तरफ आता मेरा टीममेट इन दोनों बंदों को मार देता है, और हम इनकी लूट वगैरह लेके आ जाते हैं ऊपर की तरफ। और भाई अब आता है यहाँ पे एक बग्गी वाला, और भाई इस बग्गी वाले को मारना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये देखो अब भाई पता नहीं उस बग्गी वाले ने मेरे को कौन सी श्राप दे दी कि भाई दोबारा उतरते ही मैं मर जाता हूँ। फिलहाल देखो आ चुके हैं अपन दूसरे वाले गेम प्ले में, और भाई इस वाले गेम प्ले में तुमको एक से एक खतरनाक सीन देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलो भाई उतरते हैं, अपने को गन मिल चुकी है, अब देखते हैं बंदों को जरा। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो बंदे उतरे थे उनको तो मैंने मार दिया, लेकिन अभी भी अपने नीचे की तरफ कुछ बंदे हैं जो कि अपने भी पुश करने वाले हैं अभी। और ये शॉटगन भाई, शॉटगन मेरे से घंटा नहीं चलती, इसीलिए पहले इस डीपी को उठा लेने दो मेरे को। चलो अब आने दो इन बंदों को, एक एक को देख लूंगा भाई। चलो आ जाओ आ जाओ, आ गया आ गया। रुको ये ऐसे तो ऊपर नहीं आने वाला है, लगता है मेरे को ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी लगाने की कोशिश करते हैं। चलो इधर से जाएंगे आपको नीचे की तरफ, हैं यहाँ पे भी नहीं है, लगता है वापस ये ऊपर की तरफ भाग गया भाई। चलो ऊपर की तरफ चलते, उसमें क्या है। चलो भाई इसी के साथ इन दोनों बंदों को मारने के बाद अपने बिल्डिंग में जितने भी बंदे आए थे वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलो इनको पहले फिनिश करने दो, अब इनकी लूट ले लेते हैं, क्योंकि भाई अगर बंदों को मारने के बाद लूटेंगे नहीं ना तो लगता ही नहीं है भाई कि उन बंदों को मैंने मारा है। कोई सेंस है इस बात की? सेंस वेंस गया सब भाड़ में अभी, लेकिन मेरे साथ जो होने वाला ना वो देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई जितने भी बंदे को नॉकआउट करने वाला है ना उनका एक भी किल घंटा मेरे को नहीं मिलने वाला है भाई। अब दो बंदे को मैंने नॉकआउट किया था, तो मैंने बोला चलो भाई दिखे तो फटाफट से फिनिश डाल दूं, लेकिन कोई दिखता ही नहीं है भाई, और उतने में ये दिखता है। चलो तीन बंदे नॉकआउट कर दिए, अब इन तीनों बंदों में से ना मेरे को एक का भी किल नहीं मिलने वाला भाई, और वो सिर्फ और सिर्फ इस नीचे वाले बंदे की वजह से। इसके वजह से मेरा पूरा का पूरा ध्यान वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से मैं उनको फिनिश नहीं कर पाता, लेकिन इसको तो कर दूंगा। तुझे तो पूरा मिलूंगा भाई, तेरे वजह से मेरे तीन तीन किल गए, वरना मेरे अभी 9 किल हो जाते थे। खैर छोड़ो पछताए क्या फायदा जब नहीं मिले अपने को किल, और ये मेरे टीममेट को किसने नॉकआउट किया भाई। रुको इसको भी देखता हूँ, बच गया भाई बच गया, यहाँ पे मैं तो बाल बाल बच गया। खैर कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ चलते फटाफट से और हीलिंग वगैरह करते थोड़ा।
चलो अब देखता हूँ इस वाले बंदे को, पीछे से बहुत उंगली कर रहा था ना पिछले वाले गेम में भी, भाई मेरे को इसी घर से मारा था। और इस घर पे जो बंदे उतरते हैं ना वो बस यहाँ पे उंगली करने के लिए उतरते हैं। चल भाई आजा आजा आजा, अरे डर मत नहीं मारूंगा, आजा आजा। फ्लैश की शक्तियाँ यूज कर रहा है, कर ले आजा। इसको भी पूरा मारूंगा भाई। चलो भाई देखते देखते अपने यहाँ पे 7 किल हो चुके थे, अभी भी इसका टीममेट उस घर पे बचा हुआ है, लेकिन ठीक है उसको नहीं मारेंगे अपन, क्योंकि अगर मैं उसको मारने के लिए वहाँ पे गया तो समझो कि फुर्ती गेमिंग तो गी हो रहे भाया। इससे अच्छा भाई अपन यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बंदे बचे हैं तो उनको अपन मार लेंगे। और मैं जैसे यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी देखो ये बंदा मेरे पे पुश करता है। अबे भाई तू करना क्या चाहता है यार। खैर छोड़ो, एक मौली है अपने पास, ये फेंक देते, अगर इससे कुछ हो गया तो हो गया, वरना मेरे को तो नहीं लगता कुछ होने वाला है इसका। चलो भाई इस मौली से घंटा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन एक दूसरा बंदा अपने पे पुश कर रहा है तो इसको देख लेते हैं अपन। भागो भाई भागो यहाँ से चुपचाप, क्योंकि उस पीछे वाले बंदे का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, ये वाला बंदा मेरे पे पुश करेगा तो इसको अपन मार देंगे, ठीक है। चलो लगता है ये वाला बंदा भाई मेरे से भी ज्यादा प्रो है। मेरे से भी ज्यादा प्रो है मतलब क्या है, मैं प्रो थोड़ी ना हूँ। रुको देखता हूँ इस वाले बंदे को। चलो अब देखते देखते ये अपने यहाँ पे 8 किल हो चुके थे और अभी भी यहाँ पे काफी बंदे बचे हुए हैं भाई। तो चलते हैं पहले ऊपर की तरफ और हीलिंग वगैरह कर लिया मैंने। और ये क्या है भाई, दो बॉट एक साथ, पहले इन बॉट को मारने दो भाई। अबे मर जा आराम कर, नहीं तो किल चला लेगा। चलो अब दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि अगर मैच के बीच में बॉट नहीं मारो तो मजा कहाँ आता है कि नहीं। तो चलो अभी आपने आगे की तरफ एक बंदा बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे बचा हुआ है। तो मैंने बोला भाई चलो उड़ के चलते हैं और इसको घुस के मैं मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि वो बंदा एग्जैक्ट यही सीढ़ी के पास कोने में बैठा है, तो मैं एक निकालता हूँ नेट और उसके बाद देखो ये क्या करता हूँ मैं। अब भाई मेरे को पता था कि उस कोने से एंगल मिलता है, लेकिन मैं फिर भी वहां पे नेट लेके गया। खैर छोड़ो मर गया तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। लेकिन अब वो वाला सीन आने वाला है जो कि भाई मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे तीनों के तीनों टीममेट मर चुके हैं और इनको रिकॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बॉल जमा करके इनको रिकॉल कर सकता है। हाँ हाँ कर सकता हूँ भाई, लेकिन अब मैं जब तक बॉल ढूंढूंगा तब तक आधा मैच तो खत्म हो जाएगा। और पता नहीं भाई ये ड्रैगन के अंडे कहाँ लटक रहे होंगे, अरे मेरा मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े होंगे। लेकिन भाई यहाँ पे हो जाता है चमत्कार। चमत्कार क्या, देखो मैं यहाँ से साइकिल लेके जा रहा था, लेकिन तभी देखा मैंने यहाँ पे कोई ड्रैगन समन किया है, तो मैंने बोला चलो भाई पहले इसको पेलते हैं उसके बाद देखेंगे। अब इस वाले बंदे को तो मैं मार देता हूँ और फटाफट से इसके क्रेट लूटने लगता हूँ। और उतने में मेरे टीममेट्स बोलते हैं कि जल्दी से विश मांग ले वरना वो चले जाएगा। अब मेरे को क्या पता था कि भाई इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो अब इसमें ऑप्शन आ जाता है भाई टीममेट रिवाइव का। और ये देखो इनकी खुशी देखना अभी रिवाइव होने के बाद। अब यहाँ पे मेरे टीममेट के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा भाई, और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत खुश हो गया हूँ यार। और खुश क्यों ना हूँ, क्योंकि हो चुके हैं अपने 11 किल और बंदे बचे अभी काफी ज्यादा। तो मैंने बोला अब तो एक बढ़िया सा गेम प्ले निकल जाएगा भाई अच्छे किल का, क्योंकि अपने टीममेट अपने साथ है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मेरे साथ होने वाला है ना भाई, तुम उसको देखते जाना बस। चलो फिलहाल अभी अपने को ओपन में एक बंदा दिखा है, पहले इसको पकड़ते हैं। मेंटल आरएस भाई नाम के हिसाब से अपना काम कर रहा था वैसे ये। चलो इस बंदे को तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया। मेंटल सी, अबे भाई किस पागलों की स्क्वाड से फाइट हो गई है अपनी। खैर कोई बात नहीं, मेरा टीममेट मेरे को यहाँ पे बचा लेगा। चल भाई डार्किंग फटाफट से रिवाइव कर ले, उसके बाद अपन इसको देख लेंगे। चलो यहाँ पे मैं रिवाइव तो हो गया, अब बारी है इनकी स्क्वाड की। तो चलो भाई आ जाओ फटाफट से एक एक करके। ये आ गया एक, ये ले मेंटल सी, C4 चोमू भाई C4 चोमू। चलो इस मेंटल सी को भी मैंने मार दिया था, तो मैंने बोला चलो एक ही बंदा इनका बचा है जिसको कि मैं बहुत ही आराम से मार दूंगा। और भाई एक खराब ड्रॉप शॉट पूरी की पूरी मैच खराब कर देगा मेरा, यहाँ तुम बस देखते जाओ। अब इस वाले स्क्वाड का सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा था आगे की तरफ, तो मैंने बोला डार्किंग को चल भाई इसको घुस के अपन बहुत ही आराम से मार देंगे। और होता भी वैसे ही, हम जाते आगे की तरफ, लेकिन देखो बस यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है। चल चल भाई एक लास्ट वाला बंदा बचा है, इसको घुस के ही मार देंगे अपन। देखा कैसे एक ड्रॉप शॉट अपना पूरा का पूरा मैच खराब कर सकता है भाई।
खैर छोड़ो, अब पछता के क्या ही कर लेंगे भाई। बाकी तुमको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ मेरे को पता है भाई, इसमें अपने ज्यादा किल नहीं थे, लेकिन अगला वाला जो गेम प्ले आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा किल करने की कोशिश करेंगे अपन। बाकी तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ।